सो नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, यानी कि हमें बॉन्ड की पोलैरिटी के बारे में बताना है। पोलैरिटी का मतलब क्या है, यानी कि कोई चीज़ पोलर है या नॉन पोलर है। पोलर का मतलब जहाँ पे हम चार्ज की सेपरेशन कर सकते हैं प्लस माइनस, और नॉन पोलर का मतलब जहाँ ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो अब हमें बॉन्ड के अंदर देखना है कि वो कैसा है। देखिए, इन रियलिटी नो बॉन्ड और अ कंपाउंड इज आइदर कंप्लीटली कोवलेंट और आयनिक। कहता वास्तविकता तो ये है कि कोई भी बॉन्ड हो चाहे कोई भी कंपाउंड हो, ना तो वो कंप्लीट कोवलेंट होता ना ही वो कंप्लीट आयनिक होता। ठीक है, कहता इवन इन टू हाइड्रोजन एटम, कहता बेसिक से आप लोग दो हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, सो देयर इज सम आयनिक करैक्टर, कहता उनके अंदर भी कुछ ना कुछ आयनिक करैक्टर मिलेगा। ठीक है, सो व्हेन कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जब कहता कोवलेंट बॉन्ड बनता है किसी भी दो सिमिलर एटम में, लाइक वो H2 हो, O2 हो, N2 हो, Cl2 हो या F2 हो, तो उनका जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो इक्वली अट्रैक्ट किया जाएगा दोनों एटम्स को। इन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड है N2 में, तो ऑब्वियसली सी बात है दोनों ही एन उसके ऊपर इक्वल फोर्स लगाएंगे उसको अट्रैक्ट करने के लिए, या जो शेयर्ड पेयर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट एग्जैक्टली बिटवीन टू न्यूक्लियाई, सही बात है कि इनके बीच में जो बॉन्ड है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो एग्जैक्टली बीच में प्रेजेंट है दोनों न्यूक्लियाई के। एंड द बॉन्ड सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो कहता इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड होगा, आपका नॉन पोलर बॉन्ड होगा। कैसा होगा, नॉन पोलर बॉन्ड या नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन इन द हिट्रो न्यूक्लियर लाइक HF, अगर हम एग्जांपल लेके देखें, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिस्प्लेस्ड बाय टुवर्ड्स द F ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन कहता अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं किसी हिट्रो न्यूक्लियर एटम का, जैसा कि हमने HF का एग्जांपल लिया है, तो इसके अंदर कहता जो बीच में इनके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, वो टुवर्ड्स जाएंगे किसकी तरफ, F की तरफ। अब F की तरफ ही क्यों गए, H की तरफ क्यों नहीं गए, F की तरफ इस वजह से जाएंगे क्योंकि जिस एटम की जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर, तो वो ऑब्वियसली सी बात है उसी की तरफ जाएंगे। तो F की ज़्यादा थी तो वो कहाँ चले गए, F की तरफ। एंड द रिजल्टेंट कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और इन दोनों के बीच में फिर जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम कहेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर, यहां से क्या होगा, F के ऊपर नेगेटिव चार्ज, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फिर कहता है मॉलिक्यूल पोजेस डाइपोल मोमेंट, अब नया टॉपिक स्टार्ट हो गया जिसे हम कहेंगे डाइपोल मोमेंट। देखिए वो क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होता है उनके अंदर कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट होती है। ये डाइपोल मोमेंट होती क्या है वो देखो, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, और जो डिस्टेंस होगी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स उनका प्रोडक्ट जो होगा, दैट इज डाइपोल मोमेंट। देखिए डाइपोल मोमेंट को म्यू से शो करेंगे, कहता चार्ज यानी कि क्यू इनटू में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है जिसे हम आर से शो करेंगे, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमें क्या देगा, डाइपोल मोमेंट देगा। अब डाइपोल मोमेंट को मेजर करने के लिए कोई यूनिट भी होगी, सो यूनिट है इसकी डिबे, DEBYE, और जो वन डिबे है दैट इज इक्वल 3.33564 इंटू 10^-30 कूलम्ब मीटर, CM लिखा है, सेंटीमीटर नहीं समझना इसको, C का मतलब कूलम्ब और M का मतलब मीटर, C इज कूलम्ब, M इज मीटर, तो 1 डीबी आपका इस यूनिट के इक्वल रहेगा। क्लियर, फिर कहता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आप लोग पढ़ते ही हो फिजिक्स में, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है एक स्केलर क्वांटिटी, तो जो डाइपोल मोमेंट है ये कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कहता है डिपिक्टेड विद दिस स्मॉल एरो विद टेल ऑन पॉजिटिव सेंटर एंड हेड टुवर्ड्स नेगेटिव सेंटर,
और कहता हम इसको कैसे लिखेंगे या कैसे शो करेंगे, कहता एरो से शो करेंगे, और उस एरो के ऊपर क्या होगा, जो पॉजिटिव सेंटर होगा वहां पे उसकी टेल रहेगी एरो की, और जो हेड होगा वो नेगेटिव सेंटर की तरफ रहेगा। एग्जाम्पल देखिए क्लियर होगा। एच एफ का ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने कहा था बोन टूवर्ड्स जाएंगे फ्लोरीन की तरफ, जिसकी तरफ जाएंगे हेड है या जो इसका हेड है वो होगा नेगेटिव की तरफ, और जो प्लस है वो कहाँ होगा, इसकी टेल की तरफ। शिफ्टी इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिंबलाइज बाय क्रोस्ड एरो, कहता आप जो डेंसिटी में इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्ट हुआ है, कहता उसको कैसे शो करेंगे, किस सिंबल से शो करेंगे, जो हमारा एरो था उसके ऊपर एक प्लस का साइन बना देंगे ऐसे, ठीक है, शो करेगा जो कि डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट। ये और हमें ये क्या बता रहा है कि इसकी ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने की। क्लियर, कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को यहां तक। फिर देखिए अब हम एग्जांपल लेते हैं कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। कहता डाइपोल मूवमेंट नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट ऑफ बॉन्ड, जो डाइपोल मूवमेंट होती है कहता, यानी कि जो चार्ज और जो डिस्टेंस है वो केवल उस चीज के ऊपर डिपेंड अपॉन नहीं करता कि उस इंडिविजुअल एटम की डाइपोल मूवमेंट कितनी है या उस बॉन्ड की डाइपोल मूवमेंट कितनी है, सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड अपॉन नहीं करेगा, जिसे हम बोलते हैं बॉन्ड डाइपोल। लेकिन कहता ये स्पेटियल अरेंजमेंट के ऊपर भी डिपेंड अपॉन करेगा। क्या समझ में आया कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो कभी भी किसी भी बॉन्ड की इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड अपॉन नहीं करती, बल्कि वो उसकी स्पेटियल अरेंजमेंट के ऊपर भी डिपेंड अपॉन करती है। कैसे, देखिए कहता हेयर डाइपोल मूवमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ डाइपोल मूवमेंट ऑफ वेरियस बॉन्ड। तो कहता जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या रहेगा, वो सम रहेगा किस किस का, जितने भी बॉन्ड है उन सब का। एग्जाम्पल लेते हैं वॉटर H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ये लिखे मैंने दो हाइड्रोजन, ये बीच में एक ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स आएंगे ऑक्सीजन की तरफ। एरो जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, इसमें इसका हेड इसकी तरफ, ये टेल हेड ऑक्सीजन की तरफ, टेल हाइड्रोजन की तरफ, इसे हम कहेंगे बॉन्ड डाइपोल, ठीक है। फिर जो हम इसका रिजल्टेंट बनाएंगे, रिजल्टेंट फाइनल कैसा लिखेंगे, ऐसा कि ओ एच एच और जो एरो है वो यहां शो कर देंगे, और ये क्या शो कर रहा है कि डेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट साइड है, ऑक्सीजन की तरफ है। ये केस करते हैं हम लोग पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। फिर कहता है यहां पे क्या था, द टू ओ एच बॉन्ड एट 104.5 डिग्री, जो दोनों हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था, दोनों सॉरी ओ एच के बीच में, वो कितना है 104 डिग्री 5 मिनट। कहता जो नेट डाइपोल मूवमेंट होगी इनकी वो होगी 6.17 इंटू 10 की पावर माइनस 30 कूलम्ब मीटर। ये निकलेगी कैसे वो देखो, जो नेट डाइपोल मूवमेंट निकलेगी वो आपकी कैसे निकलेगी, कहता 1.85 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारी यूनिट थी कितनी थी वो 3.3564 इंटू 10 की पावर माइनस 30, जब इनकी मल्टीप्लाई होगी सो दैट इज इक्वल टू 6.17 इंटू 10 की पावर माइनस 30 कूलम्ब मीटर। और ये हमारी क्या निकल के आई है, नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ द वॉटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अनदर एग्जांपल देखिए, थोड़ा सा और क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे एग्जांपल करेंगे। नेक्स्ट है BeF2 कहता इसकी जो डाइपोल मूवमेंट है वो कितनी है, जीरो है। अब ऐसा कैसे हो गया ये देख